और इस समय की बड़ी खबर बता दें, हाथरस मामले से जुड़ी हुई योगी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश किया गया है, जिसमें दलील दी गई है। कहा गया है कि पुलिस ने कानून के मुताबिक ही जरूरी कदम उठाए हैं और ये भी कहा है कि असाधारण वजह से रात में अंतिम संस्कार करना पड़ा। इसके अलावा और भी कई बातें इसमें शामिल की गई है। हमारे सहयोगी अरविंद हमारे साथ में मौजूद है ज्यादा जानकारी के साथ। जी अरविंद, सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर किया है उसमें ये कहा है कि रात के वक्त ये फैसला इसलिए लिया गया लड़की के अंतिम संस्कार का, क्योंकि कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए असाधारण परिस्थितियों में ये फैसला लिया गया। लड़की के घर वाले भी इस बात के लिए सहमत थे, उनकी मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया और ताकि आगे हिंसा न फैल सके इसलिए कदम उठाया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कही है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां और मीडिया का एक हिस्सा इस मामले को सांप्रदायिक और जाति रंग देने में तुला है, लिहाजा इस तरह की संभावनाओं को से निपटने के लिए कि एक झूठा नैरेटिव ना गढ़ा जाए, कोर्ट सीबीआई जांच को जारी रखने का आदेश दे और कोर्ट खुद सीबीआई जांच की मॉनिटरिंग करे। बिल्कुल, जानकारी के लिए अरविंद आपका शुक्रिया।